है, निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी कि वे किस प्रकार से जन जन का जीवन सुखमय और सरल कर सकें। साथ ही साथ बहनाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना की जो सौगात उन्होंने सभी लाडली बहनाओं को, प्रदेश भर की लाडली बहनाओं को जो दी है, उससे हर महिला के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। अब मजबूर नहीं, मजबूत हैं बहनें, क्योंकि उनके साथ हैं शिवराज भैया। मुख्यमंत्री निरंतर प्रयासरत हैं किस प्रकार से उनकी योजनाओं से वे लाभान्वित कर सके, आत्मनिर्भर बना सके, सशक्त बना सके अपनी प्रदेश की लाडली बहनाओं को। कुछ ही पल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर होंगे। हमारे संस्कारों में रचा बसा है नारी सम्मान, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि निरंतर अपनी योजनाओं से प्रिय लाडली बहनाओं के जीवन को सुखमय और सरल बना रहे हैं, बेटियों के जीवन को सरल बना रहे हैं। प्रदेश की बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं क्योंकि उनके मामा निरंतर प्रयासरत हैं, अपनी विभिन्न योजनाओं से उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में वे आगे बढ़ रही हैं और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही आज विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण हो सका है और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो तस्वीर बदली है वो स्वर्णिम ऐतिहासिक पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। उनके ऐतिहासिक योजनाएं निरंतर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का हर जिला आगे बढ़ रहा है, जन जन का जीवन सरल हो रहा है। उनकी विभिन्न योजनाओं से हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रयासरत, जिससे हर महिला का जीवन संवर सके, क्योंकि जल से ही बहुत सारी महिलाओं का दिनचर्या बनती है। इसी के साथ आप सभी के पास आवास हो, आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा का ध्यान रखते हैं और एक और उनका प्रयास है आप सभी को आजीविका मिशन से जोड़ने के लिए, जिससे आप सबकी आय लगभग 10,000 तक पहुंच सके। पुनः आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे ना बीच में डिस्टर्ब मत करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, अभी मत करिए, मैं बाद में ले लूंगी सर, ये ले लीजिए। हृदय से स्वागत, अभिनंदन। ग्वालियर की सभी लाडली बहनाओं का, देवियों सज्जनों का आज के इस उत्सव के पर्व को मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आज प्रदेश भर की लाडली बहनाएं हमसे जुड़ी हैं और कुछ ही देर में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी भी आपसे जुड़ जाएंगे। कुछ ही देर में उनका शुभागमन होगा और आपके साथ केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, अतिथिगणों का शुभागमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नाचते गाते माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर है, क्योंकि ये उत्सव का पर्व है और पूरे उमंग के साथ और त्रिजी बेटियों को देवी स्वरूपा मानते हैं और देवियों के पूजन के साथ ही पूजन शुरुआत होती है हर कार्यक्रम की। आज भी इस अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं के पूजन के साथ होगी। कुछ ही पल में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन होगा और वे सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर अपनी लाडली बहनाओं का स्वागत अभिनंदन करेंगे। जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्ण मागत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। दुर्गा लाडली बहना सेना बनाई है जिनके कांधों पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और छोटे ग्राम में 11 लाडली बहनाओं की सेना है जो कि देखती है कि किस प्रकार से शासन द्वारा
क्रियान्वयन हो रही हैं विभिन्न योजनाएं और महिलाओं तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत उन्होंने हर माह आपके खाते में राशि अंतरित करने की ठानी है और शनै शनै इसको बढ़ाकर 3,000 तक करने के लिए भी प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पल में वे हमारे बीच होंगे और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज पूरा मध्य प्रदेश उत्सव, आज उत्सव का ये पल है और पूरी उमंग के साथ प्रदेश भर की महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो कि ग्वालियर में आयोजित हो रहा है, पवित्र ऐतिहासिक नगरी है ग्वालियर, तानसेन की नगरी जिसे संगीत की नगरी भी कहा जाता है, सात सुरों की गगरी भी कहा जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चिन्हित किया है ग्वालियर, शिवराज सिंह चौहान जी। साथ ही साथ आज ग्वालियर को अनूठी सौगात भी प्राप्त होने जा रही है, लगभग 388 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। आपको बता दें लगभग 9 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत राशि है 38,88,00,000 रुपए, साथ ही साथ 14 कार्यों का भूमि पूजन जिसकी लागत राशि है 340,91,00,000 रुपए, और भी कई सारी सौगातें, कई सारी घोषणा उपहार स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। ग्वालियर के इस पवित्र धरा पर कुछ ही पल में हमारे साथ मंच पर होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही में सम्मानीय अतिथिगण। आज के इस उत्सव का शुभारंभ हो चुका है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ। आपने देखे सांस्कृतिक कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मंच की ओर अग्रसर, साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी आज सभी लाडली बहनाओं से मुखातिब होने के लिए आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे लाडले भैया का स्वागत अभिनंदन करें। आज है 10 तारीख जिसका हम सभी को इंतजार है। नया उजियारा शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है शिवराज का वादा है, घर में मेरा मान बढ़े एमपी का सही इरादा है, अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं चेहरों पे ये दमकते हैं, तो जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे शिवराज का वादा है, घर में मेरा मान बढ़े एमपी का सही इरादा है, अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं चेहरों पे ये दमकते हैं, अरुजियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का बेना, जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन हृदय से स्वागत अभिनंदन हमारे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की कन्या पूजन के साथ आज के इस उत्सव का शुभारंभ करें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की धरा पर किसी भी उत्सव किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ होती है, तो कार्यक्रम में सबसे पहले कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ, साथ ही में लाडली बहनों के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
बहनों को पूजनीय मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कन्या पूजन के साथ बहनों का भी पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित हो। बहनाओं के पैर पखाड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि नारियों का जहां वास होता है वहीं देवता वास करते हैं, और बहनाओं के पूजन के साथ उनके पैर पखाड़ते हुए उनका सम्मान करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली बहनाएं बेहद खुश हैं, बेहद प्रसन्न हैं। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें आज के इस उत्सव का, मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का शुभारम्भ करें। साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी एवं सम्माननीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगण, आपसे निवेदन, कृपया आप अपना स्थान लें। और आज का दिन बहुत ही अनोखा है, 10 तारीख का इंतजार सभी लाडली बहनों को रहता है। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी बहना से आरती नहीं उतरवाते, उनसे सम्मान नहीं करवाते, लेकिन आज लाडली बहनाएं, ग्वालियर की लाडली बहनाएं नजर उतारेंगी अपने प्रिय भैया की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को निरंतर चिंता रहती है अपनी बहनों की, और वे निरंतर प्रयासरत हैं किस प्रकार से वे लाडली बहनाओं का जीवन सवारे। लेकिन लाडली बहनाओं को भी चिंता है कि कहीं भैया को नजर ना लग गई हो, तो नजर उतारेंगी ग्वालियर की बहनाएं अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी की, और उन्हें अतिथि देवो भवा की अनूठी परंपरा है। और इसी क्रम में निवेदन करूंगी भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष श्री अभय चौधरी जी, ग्रामीण अध्यक्ष श्री कौशल शर्मा जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों से हम हमारे प्रिय भैया, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही निवेदन माननीय श्री अभय चौधरी जी, माननीय कौशल शर्मा जी से कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का, माननीय मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह, ग्वालियर को अनूठी सौगातें मिलने जा रही हैं। लगभग 9 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत राशि है 38 करोड़। मनोज तोमर जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आइए तालियों के माध्यम से सभी लाडली बहनाएं अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी लाडले भैया का स्वागत अभिनंदन करें। और आज आपको बताना चाहेंगे ग्वालियर को कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं, और इसी क्रम में 9 कार्यों का लोकार्पण और 14 कार्यों का भूमि पूजन होने जा रहा है जिसकी लागत राशि है 388 करोड़। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक के माध्यम से 388 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करें। 38 करोड़ 88 लाख के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण, साथ ही साथ 340 करोड़ 91 कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सिंगल क्लिक से 388 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत ने मध्य प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए नवाचार के अंतर्गत पात्रता एंड्रॉइड एप्लीकेशन को विकसित किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी पात्रता जांच सकते हैं और योजनाओं का उचित लाभ उठा सकते हैं। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पात्रता एंड्रॉइड एप्लीकेशन को लॉन्च करें। आज पूरे प्रदेश भर को ये अनूठी ऐप प्राप्त होने जा रही है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पात्रता एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक के माध्यम से लॉन्च करें। आपको बताना चाहेंगे, इस ऐप में आप अपना खाता खोलकर ना सिर्फ योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे बल्कि योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन भी कर सकेंगे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर सांसद ग्वालियर से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर विराजमान हम सबके लाडले नेता माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हम सबके दिल की धड़कन माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, जिले के दोनों अध्यक्षगण, मंचासीन सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपकी ओर से, मेरी ओर से ग्वालियर में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी फिर एक सौगात देने यहाँ पर आए हैं। आज करीब 387 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है। हर बार मुख्यमंत्री जी ग्वालियर आते हैं और सौगात देकर के यहाँ से हमको जाते हैं। हम सब ग्वालियरवासी उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आशा इसी प्रकार से उनका आशीर्वाद हमारे ग्वालियर पर बना रहेगा। आज यहाँ पर लाडली बहनों के लिए एक और सौगात मिलने जा रही। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो लाडली जो बहनाएं जो हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से जो चाहा वो उनको मिला है। आने वाले समय मैं भी वादा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आगे आप जो चाहेंगे हम सब ग्वालियरवासी और लाडली बहना मिलकर के आपको जरूर देंगे। आज एक बात की ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी ग्वालियर आए थे फरवरी में, तब तिगरा में हम लोगों ने उनसे मांग की थी कि भितरवार विधानसभा क्षेत्र का जो घाटी गांव क्षेत्र है वह पिछले कई वर्षों से पीने के पानी के लिए मोहताज है। मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जब माननीय शीतला सहाय जी जब हुआ करते थे वाटर मंत्री, तब उस समय से इंतजार है कि उस समय वहां पर उसके समाधान किया जाए। अब मैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक बताना चाह रहा हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि 344 करोड़ की एक योजना भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लिए, घाटीगांव क्षेत्र के लिए बनी है। उसके टेंडर हो चुके हैं और आने वाले 2 साल में वो काम पूरा हो जाएगा। 187 गांव के लिए वो योजना बनेगी और करीब 55,000 परिवार उससे लाभान्वित होंगे। मेरा मानना है कि आज तक के इतिहास में पीने के पानी के लिए इस समूह जल योजना के अंतर्गत इतनी बड़ी राशि शायद पहली बार प्राप्त हुई है। मैं मेरी ओर से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से ग्वालियर के विकास में वो आगे बढ़कर और हमको सबको साथ लेकर के विकास में तेजी से आगे बढ़े। फिर से एक बार मेरी ओर से आप सबकी ओर से मैंने मुख्यमंत्री जी का, मंजू सिंधिया जी का, मंजू नरेंद्र सिंह जी का, मंचासी सभी अधिकारियों का, मेरे पार्टी के साथियों का और आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं, आज रास्ते में भव्य स्वागत हम लोगों ने हमारे 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 मंत्रियों का दिया है, हमारे मेहमानों का किया है। मैं आपके बहुत आभार करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप सबका समर्थन हमेशा हम सबको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विवेक नारायण जी। और अब हम ससम्मान निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे ऊर्जा वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का।
आज हमारे मंच पे यहां उपस्थित ग्वालियर के इस ऐतिहासिक भूमि पर हमारे यशस्वी जन जन के नायक और जिन्होंने अपने करकमलों से मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के दिल दिल में एक अमीट छाप छोड़ा है, ग्वालियर के ऐतिहासिक गालिब ऋषि की भूमि में तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का हम लोग स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे केंद्र कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहेब, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण आदरणीय तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्रीगण माया सिंह जी, अनूप मिश्रा जी, हमारे समस्त नगर निगम के अध्यक्षगण, पूर्व मंत्रीगण इमरती देवी जी, नगर निगम के अध्यक्षगण मुन्नालाल गोयल जी, अभय चौधरी जी, मदन कुशवाहा जी, लोकेन्द्र पराशर जी, रमेश अग्रवाल जी, रामबरन गुर्जर जी, सीताराम बाथम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मनोज तोमर जी, जयप्रकाश रजोरिया जी, जय सिंह कुशवाहा जी, समीक्षा गुप्ता जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी आन बान और शान और मेरे जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है। आज एक ऐतिहासिक दिवस है, मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे जब समक्ष आए हैं एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में, केवल आपका मुख्यमंत्री आपके बीच में नहीं आए हैं, आपके घर का भाई और आपके घर का बेटा आज ग्वालियर के धरती पर आपके समक्ष है। मुझे याद है एक बार शिवराज सिंह जी ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं अपने परिवार का सदस्य हूं। इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने के लिए, दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंह जी है मेरे भाई और बहनों। और आज जब आप आए हैं, एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है, और शिवराज सिंह जी की विचारधारा, उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है, और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी की योजना की शुरुआत की गई ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं लेकिन लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लखपति घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। ये योजना घर घर तक पहुंची और जब हमारी घर की बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत करती है और लग्न का समय आता है और उस लग्न के मुहूर्त में जैसे पंडित बैठकर मंगलाष्टक करते हैं, पंडित के साथ साथ शिवराज सिंह जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर 51,000 रुपया ये भाई
एक एक बहन के शादी में शिरकत करके उपस्थित रहा और जब उन्होंने देखा कि प्रदेश की महिला सशक्त हो रही है, प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है, बचपन से पढ़ाई कर जब सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर स्कूल से निकलती है तो उस बच्ची को संपन्न बनाने के लिए अपने अंकों के आधार पर, मतलब काबिलियत के आधार पर, उस बच्ची को ई स्कूटी देने की योजना भी शुरुआत की मेरे भाई और बहनों। तो बचपन से लेकर पढ़ाई तक, स्कॉलरशिप तक, अंकों के आधार पर सम्मानित करने का कार्य और लग्न तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे बहने अपने भाई का आह्वान करें। और जैसे हर इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, परिवार की गृहिणी बन जाती है, तो उस गृहिणी को भी आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जहां 1,000 रुपया हर माह 1,25,00,000 होते थे। पर शिवराज सिंह जी के साथ तो ये बात है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज 1,25,00,000 से 1,31,00,000 महिलाएं हो गई हैं मध्य प्रदेश में, जिनके खाते में 1,000 रुपया पहुंचाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है। और जब 1,000 रुपये प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति वर्ष की योजना की घोषणा नहीं, की योजना की गारंटी नहीं, लेकिन आप बताओ पिछले 3 महीने में से आपके खाते में पैसे आ रहे कि नहीं? अगर आ रहे तो हाथ उठाकर बताओ, आ रहे कि नहीं? आपके खाते में पहुंचाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने किया। तो एक तरफ ये भाई जो आपके खुशहाली के लिए आपका अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, और दूसरे तरफ एक महाशय जिनको इतनी जलन आ गई, पूरी तरह से खुजली आने शुरू हो गई कि ये योजना की घोषणा हो गई, अब मैं क्या करूं? तो निकाला चिपका के कर्नाटक की 5 गारंटी कि हम भी गारंटी देते हैं मध्य प्रदेश में, अगर शब्द का इस्तेमाल सुनना, अगर हमारी सरकार बनी तो 1,500 रुपया खाते में दिया जाएगा। अरे शिवराज सिंह जी ने तो नहले पे दहले कर दिया। अगर वो 1,500 कह रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने कहा 1,000 से 1,250, 1,250 से 1,500, 1,500 से 1,750, 1,750 से 2,000, 2,000 से 2,250, तालियों की गड़गड़ाहट से 2,250 से 2,500, 2,500 से 2,750 और 2,750 से अभी सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया। जरा कमलनाथ जी को सुना दो कितना, जरा दिग्विजय सिंह जी को सुना दो कितना। शिवराज सिंह जी बहनाएं कह रही है, कितना बोलो एक बार। और ये याद रखना मेरी बहना, ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है मेरे भाई और बहनों। एक एक घोषणा जो कांग्रेस ने 2018 में की थी, हर एक घोषणा की वादा खिलाफी की,
जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे मेरा किसान हो, मेरी महिला हो, मेरा नौजवान हो। और जब ये सरकार में आए 15 महीनों के लिए, तब शिवराज जी की संबल योजना बंद कर दी, आपकी कन्यादान योजना बंद कर दी। मेरी महिला आशा कार्यकर्ता जो अपना वेतन दिन रात लेकर काम करती थी, उनका 1500 रुपया बढ़ाने की बात करते हैं, उनका वेतन 1500 रुपए कम करके रख दिया कांग्रेस की सरकार ने। और मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, क्या लाडली लक्ष्मी योजना चलनी चाहिए? चलनी चाहिए तो कान खोल के सुन लो आप। अगर कांग्रेस, जो कांग्रेस कहती है ना, अगर मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना ये बंद कर देंगे। मैं पूछता हूं आपसे, कन्यादान योजना चलनी चाहिए कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, चलनी चाहिए कि नहीं? अगर अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कन्यादान योजना ये बंद करके रख देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण जो शिवराज सिंह जी ने किया है, पुलिस भर्ती में 35%, शिक्षक भर्ती में 50%, शासकीय पदों में भर्ती में 35% और पंचायत चुनाव में 50%, ये महिलाओं के लिए रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस आएगी तो सारा आरक्षण समाप्त कर देगी। और आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए कि नहीं? अगर अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना भी कांग्रेस की सरकार बंद करके रख देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को क्या एक भी वोट मिलना चाहिए? बताओ मुझे मेरी बहनों, मिलना चाहिए कांग्रेस को वोट? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक ऐसा सीरियल है जो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात देखा, वो सीरियल का नाम है कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीरियल में एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, लॉक किया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे साथ, कांग्रेस को इस चुनाव में लॉक करके चाबी चंबल के नदी में हम लोग विसर्जन कर दे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और अपने भाई को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अरे ये मेरी बहनों की तालियों में और ऊर्जा होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट। आज मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, केवल लाडली बहना योजना नहीं लेकिन 390 करोड़ रुपए हमारे ग्वालियर के लिए लेके आए हैं। पर जब शिवराज सिंह जी आए हैं तो मेरी तो आदत है कि कुछ और मांगना ही पड़ेगा। ग्वालियर के लिए चंबल की योजना, पानी लाने की योजना, हम सबका एक सपना रहा है, आपका, हमारा, नरेंद्र सिंह जी का, शेजवलकर जी का, अनूप जी का, माया सिंह जी का, प्रदोम का, हमारे पीछे बैठे पूर्व विधायकों का, सभी का। और इस योजना के लिए आपने तिजोरी खोल के दी, जहां एक तरफ कमलनाथ कहते थे पैसे नहीं है, शिवराज सिंह जी की सरकार में विकास के लिए, प्रगति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए अंबार है पैसों का, क्योंकि आपका हक है उसके ऊपर पहले। और ग्वालियर की योजना के लिए
हमारे चंबल से पानी लाने के लिए 500 करोड़, मणिखेड़ा और रमौवा बांध में पहुंचाने के लिए 200 करोड़, वार्डों में पहुंचाने के लिए 167 वार्ड में पहुंचाने के लिए 500 करोड़, 1000 करोड़ आपने स्वीकृत किए हैं। अब ग्वालियर में 6 नए वार्ड जुड़े हैं जो ग्रामीण इलाके के हैं, वहां ना पाइपलाइन है ना टोटी है। उन 5 वार्डों के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है। इस 1000 करोड़ की योजना को 1600 करोड़ में स्वीकृत करा दे ताकि मेरे ग्वालियर के प्यासे कंठों को पूरे अगले 50 साल के लिए पर्याप्त पानी मिल पाए। यही हाथ जोड़ के आज से निवेदन है। आपके ग्वालियर के आगमन में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को उद्गार भवन प्रकट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज के इस बहर्द और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, ग्वालियर के हमारे मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती माया सिंह जी, अनु मिश्रा जी, रमेश अग्रवाल जी, रामबरन सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, हमारे जिले के संयोजक वेद प्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी नेता पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित हमारी हजारों हजार बहनें और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज करोड़ों रुपए की राशि यहां से उनके खाते में भेजने वाले हैं। मैं इस अवसर पर एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरी तरफ अपनी हजारों हजार बहनें जिनके खाते में थोड़ी देर में 1000 रुपया पहुंच जाएगा, उनको भी बहुत 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 शुभकामनाएं इस मौके पर देता हूं। आज हमारे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि जब शिवराज सिंह जी का आगमन हुआ है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आते। आज ग्वालियर में 15 साल में जो विकास के काम हुए हैं वो कांग्रेस के 50 वर्षों पे पहले भी भारी थे, आज भी भारी है और आने वाले कल में भी भारी रहेंगे। आज जब उनका आगमन हुआ है तो 388 करोड़ रुपए की लागत के भूमि पूजन और लोकार्पण भी संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं ग्वालियर के नागरिकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और विशेष रूप से शिवराज जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि ग्वालियर का मामला हो या और अन्य गांव का मामला हो, ये तो काम पैसे से भी सरल हो जाते हैं, लेकिन आज घाटी गांव की 344 करोड़ रुपए की पेयजल योजना जिसमें लगभग 186 गांव
को पानी पीने का मिलेगा, इस योजना का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। ये एक तौर से असंभव काम था जिसको शिवराज सिंह जी ने संभव करके दिखाया है। मैं इस मौके पर शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और घाटी गांव क्षेत्र की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में महिला का स्थान देवतुल्य माना गया है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में भी गायत्री, दुर्गा, सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और हमारे सांसारिक जीवन में भी अगर हम देखें तो महिला सृष्टि का जनक कहलाइए। अगर मां ना हो तो सृष्टि ही आगे ना बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति ने ही ऐसे नेताओं को गढ़ा है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी संवेदनशीलता को कभी भूलते नहीं है। शिवराज सिंह जी का ही संवेदनशील व्यक्तित्व है, जिन्होंने वृद्ध माताओं की चिंता की, जिन्होंने नई जन्म लेने वाली कन्याओं की चिंता की और आज लाडली बहना जिनकी संख्या प्रदेश में 1,31,00,000 है, उनको भी 3,000 रुपए तक की राशि प्रदान करने की योजना बनाकर जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इसके लिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को, मध्य प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद किया जाएगा। इस अच्छे अवसर पर इस लाडली बहना योजना की किस्त डालने के मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और शिवराज जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अब हम निवेदन करेंगे जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जनक हैं, जिन्होंने प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की क्रांति उत्पन्न करी, हमारे प्रिय भैया, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, बोलो संग रहना है कि नहीं? मेरे साथ बोलिए भारत माता की और मेरी लाडली बहनाओं की। लाडली बहनाएं केवल ग्वालियर में नहीं बैठी, आज हर गांव में बैठी, हर शहर में बैठी है और वो ग्वालियर के इस कार्यक्रम से जुड़ी है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी और कर्मठ केंद्रीय किसान और कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो मध्य प्रदेश के गौरव हैं, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय नेता जिन्हें 1 साल से कम समय में ग्वालियर के एयरपोर्ट को खड़ा करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय जी कौशल जी, आदरणीय माया सिंह जी, अनूप जी, नारायण सिंह जी, इमरती जी, हमारे मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी भाई, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न जी भाई, अरे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान विवेक सहजवलकर जी जो ग्वालियर के विकास के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं, मदन जी, लोकन जी, मुन्नालाल जी, रमेश जी, रामबरन जी, इमरती जी, सीताराम जी, मनोज जी, जयप्रकाश जी, जय सिंह जी, वेद प्रकाश जी, राजेश जी, राकेश जाधव जी, अशोक शर्मा जी। अब चूंकि पूरा प्रदेश मुझे सुनता है इसलिए
मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज ग्वालियर की धरती पर ग्वालियर की जनता ने और लाडली बहनाओं ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं, वो मेरी बहनों का प्यार है। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आज आपने जगह जगह फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं बचेगा, यह हमारा संकल्प है, यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और एक वचन देता हूं, बैठी रहे, क्योंकि मैं बहनों के पास आके ही बोलता हूं, अपने अपने जगह बैठे रहे। कई महत्वपूर्ण बातें आज आपसे करना है। आपने जगह जगह मेरी बहनों राखी भेंट की है, मैं सब बहनों से राखी बंधवा नहीं पा रहा, लेकिन ये मान लेना कि तुमने तुम्हारे भाई की कलाई पर राखी बांधी है। ये राखी का रिश्ता बड़ा स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये राखी का त्योहार कहां से शुरू हुआ पता है? कहते एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई गलती से, तो द्रौपदी ने, बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। और जब द्रौपदी जी पर आपदा आई, उनका अपमान हुआ, तो उनको बचाने सीधे कृष्ण कन्हैया ने कैसे उनकी रक्षा की थी, मेरी सारी बहनें जानती हैं। ये राखी का रिश्ता भाई बहन का प्यार है, पवित्र रिश्ता है। और आज इस कार्यक्रम में आने के पहले हम अचलेश्वर महादेव गए थे भगवान की पूजा करने, और पूजा करके क्या मांगा, यही मांगा कि एक तो भगवान खूब वर्षा करना, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, किसान की फसलें सूख रही थी, सूखे के हालात थे। तब मैं गया था महाकाल महाराज और उनसे प्रार्थना की, पानी गिरा दो, नहीं तो प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो जाएगी। मैं उनको प्रणाम करता हूं, बहनों का प्यार मेरे साथ था, आपका आशीर्वाद था, तो भगवान ने भी सुन ली और झमाझम बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में, शानदार वर्षा हो रही है। आज अचलेश्वर महादेव में जाकर मैंने यही प्रार्थना की कि आज बहनों के कार्यक्रम में जा रहा हूं, मेरे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरी बहनों की जिंदगी में कोई दुख ना रहे, उनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। हे भगवान, मेरी बहनों के सारे दुख मुझे दे देना, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा। और मेरे हिस्से की खुशी तो बहनों की खुशी है, वो सब बहनों को दे दो, बहनों के दुख मुझे दे दो मेरे प्रभु, ताकि बहनें हमारी सुखी रह सकें, बहनें हमारी सुखी रह सकें। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना, पूरे प्रदेश में बहनें ध्यान से सुने, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और ये आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन, ये आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन, ये आंदोलन है बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये आंदोलन है मेरी बहनों, बहनों को हर खुशी देने का आंदोलन, ये आंदोलन है कि मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, मेरी बहनें एक एक पैसे के लिए तरसेंगी नहीं, मेरी बहनें मजबूत बनेंगी, अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगी, मेरी बहनें सारी जरूरतें पूरी करेंगी। ये आंदोलन है आपकी जिंदगी को खुशी से भरने का आंदोलन, आपके बच्चों का
बेहतर भविष्य बनाने का आंदोलन। बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना कैसी है? जोर से बोल के बताओ कैसी है। ये जिंदगी बदल रही है, जिंदगी। और राखी पे मैंने 27 तारीख को 250 रुपया भेजे थे, वो मिल गए थे क्या? सब बहनों को मिल गए थे? तो बताओ राखी अच्छी मनी की नहीं? भैया याद आया कि नहीं? अरे इधर वाली भी जोर से बताओ याद आया कि नहीं? जैसे राखी खुशी से मनी, तुम्हारा हर त्योहार खुशी से मने। अच्छा ईमानदारी से बताना, अपन भाई बहन हैं और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, बोलो होता है कि नहीं? मैंने देखा कि भाई बहन की चिंता करे ना करे, लेकिन भाई पे कोई तकलीफ आए तो बहन तड़फ जाती है, मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया। मायके वाले खुश रहे ये हमेशा दुआ करती है, ये रिश्ता ही ऐसा है मेरी बहनों। लेकिन मैंने कहा कि केवल योजना नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। अब एक बात का जवाब मुझे देना, सब बहनें सुन रही है ना? अरे सब सुन रही है पीछे तक? अब मुझे जवाब देना एक बात का कि जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है, 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है, तब से ईमानदारी से बताना जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अब तो सासू माँ भी कहती होगी बहू कैसी हो, फिर धीरे से पूछती होगी वो पैसा आ गया कि नहीं आए, और अभी अभी कहती होगी बहू की रोटी में घी चुपड़ो भाई, अब तो रुपया आ रहे। अच्छा ईमानदारी से बताना, पतिदेव का व्यवहार भी बदला कि नहीं कुछ? अरे जोर से बताओ भैया के सामने काहे को शर्म आ रही, बोलो पतिदेव का व्यवहार बदला कि नहीं? मेरी बहनों ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है मैंने, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, सम्मान है। घर में भी इज्जत बढ़े, मान और सम्मान बढ़े। अच्छा आप जो रुपया आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अलग अलग बहनें मुझे कहानी सुनाती है, कोई ने बच्चे के कपड़े खरीदे, कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी, और कई बहनें तो ऐसी है कि जिनने अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रहे हैं। एक बहन मुझे मिली कि मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया, और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूं उसके। कई बहनें ऐसी है जिन्हें अपना काम धंधा उससे शुरू किया है। सुनना मेरी बहनों, आपको तरकीब बताता हूं, इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है। पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं, मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। ताली जोर से बजाओ, होना चाहिए कि नहीं? तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, बैंक उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा, ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता है कि नहीं? सब बहने बताओ हो सकता है कि नहीं? देखो हम क्यों गरीब रहे, क्या बहने गरीब रहने के लिए पैदा हुई है? क्या बहने
दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है? क्या मेरी बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? नहीं बहनों, आंसू नहीं, तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में केवल जुलुम नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बहन लखपति बने, लखपति बन सकती हो, मैं झूठा सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर रहा हूं, यह झूठा सपना नहीं है। भाई बहन मिलकर इसको सच करेंगे। हम स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के, और स्व सहायता समूह में, आजीविका मिशन में कौन कौन बहने हैं जरा हाथ उठाओ, और जो नहीं है उनको भी स्व सहायता समूह में आना है, ताकि कई तरह के काम अब तुम्हें दे रहा हूं मैं, बच्चों के कपड़े सीना है, पोषण आहार बनाना है, साबुन बनाना है, शैंपू बनाना है, अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाना है। और सुनो, अभी हमने एक काम और किया कि जितने भी टोल टैक्स है, जहां गाड़ियों से पैसा लेते हैं ना निकलने के, उन टोल टैक्स को भी कई जगह बहनें चलाएंगी, बहनें, मेरी बहनें चलाएंगी, और बहनें सामने आ गई चलाने के लिए। 3 टोल टैक्स अभी दिए हैं, और किस शर्त पर चलाएंगी कि 1,00,000 रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, चिंता, कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, चिंता मत करना, कई तरह का काम। अब मेरी जिंदगी का मिशन है बहनों को गरीब नहीं रहने देना, बहनों को गरीब नहीं रहने देना। बोलो मेरे साथ हो साहब, हम रोएंगे नहीं, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हमारे बरसे बच्चे तरसेंगे नहीं, हमारे बच्चे भी सुख से रहेंगे, हम काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, और लखपति बनेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। अपने आप को गरीब मानने से इनकार कर दो मेरी बहनों, मैं वो रास्ता बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे लिए ये योजना नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं, अंतरात्मा से बोल रहा हूं, मेरे लिए योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। नारी शक्ति का उदय हो, बहनों की ताकत जगे। अरे तुम कमजोर नहीं हो, गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हो मेरी बहनाओ, तुम कमजोर नहीं हो। और रास्ता दिखाने के लिए मैं साथ हूं ना तुम्हारे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मिलकर काम करेंगे। ये लाडली बहना आंदोलन है, और मेरी जब तक सांस चलेगी मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा तुम्हारे साथ मिलके, चलाऊंगा, बदलेंगे। तो बोलो सब मिलकर काम करेंगे आगे, दाएं बाएं बताओ सब करेंगे, नहीं रोएंगे जी, आगे बढ़ेंगे। और देखो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरा पैकेज है। बहनों को ये पैसा तो मिलेगा ही, और जैसा सिंधिया जी ने बताया, तोमर जी भी बोल रहे थे, इसको बढ़ाऊंगा, लगातार बढ़ाऊंगा, पैसे का इंतजाम करता जा रहा हूं। सोच के तो देखो जरा, 1,25,00,000 थी, अब हो गई 1,31,00,000। और इतनी बहनों को अगर मुझे केवल 1,000 रुपया देना है तो 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितने चाहिए साल भर में? अरे जोर से बोलो, कितने चाहिए? 16,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ और कोई दे सकता था क्या? ये 16 भी दूंगा, और अब बढ़ा के भी दूंगा। 250 दिए थे 27 तारीख को, आज 1,000 डलेगा, और अक्टूबर से 1,250 रुपया हर महीना कर दिया जाएगा, हर महीना 1,250। मैंने जो कहा था वो करूंगा, और बढ़ा के सबसे अंत में आप सबने बताया कितने करूंगा, एक बार फिर जोर से बता दो, कितने करूंगा? 3,000 करूंगा।
भैया पे विश्वास है तुम्हें। अब इसके साथ साथ सुनो मेरी बहनों, बच्चों की पढ़ाई सब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मां को सबसे ज्यादा प्यारे अगर कोई होते हैं तो बेटा बेटी होते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे बच्चे सबको प्यारे होते हैं कि नहीं? तो अब सुनो, अभी उनको दूसरे गांव अगर पढ़ने जाएं तो साइकिल के 4,500 दिए, अगर लैपटॉप उनको चाहिए 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा 25,000 देता है, अभी देता था 75% नंबर लाने पे। अब मेरी बहनों, अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। अरे बच्चों पे भी जोर से ताली बजाओ जरा। और गांव में और शहर के अपने स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। इस पे भी जोर से ताली बजाओ। ये इसलिए कि बच्चे पढ़े इस चक्कर में। और एक बात ध्यान से सुन लेना, सब ध्यान से सुन लेना, कोई ये मत सोचना कि मैं तो गरीब हूं मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अरे तुम गरीब थोड़ी हो, जिसका भैया हो साथ में वो बहन गरीब कैसे हो सकती है। उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो फिर 10-12 लाख रुपया साल भी हो तो वो बहनों को नहीं भरवाना, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? भैया उनका मामा भरवाएगा। मामा काहे के लिए बनाऊ मैं? तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रोजगार काम धंधे की व्यवस्था, उसकी चिंता भी करेंगे। लेकिन एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहने बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ भाई बहन की बात। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है। एक बात और, कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही है कि नहीं? बताओ ना, इधर वाली भी बताओ, 5,000 आ गए, 6,000 आ गए, कहां से दे दें भैया? अब उनमें कई बहनों ने पहले दिए ही नहीं, इतने बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं? बताओ। तो अपने बिजली मंत्री भी यहां बैठे प्रदुम, अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनाओं के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहने नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस पे भी जरा जोर से ताली बजाओ। और बाद में, अरे अच्छे से सुन रही हो कि नहीं? बोर तो नहीं हो रही? तो और बोलू तो सुनो, इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के जीरो कर देंगे,
अगले महीना से जिनका 100 किलो जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दे दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। और मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए है, उनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। अरे इस पर भी ताली बजाओ ना, बजाई मेरे, ये तो भाई बहन की बात हो रही है। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। मेरी बहनों, जो सुविधाएं तुम्हें दी जा सकती है, देखो काय काय की जरूरत होती है, रोटी की, अनाज निशुल्क, मकान की बनवाऊंगा और कोई पे पट्टा नहीं होगा, तो सुन लो, गरीब बहन गांव की हो चाहे शहर की हो, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक भी बनाएंगे। इतना टुकड़ा तो चाहिए कि रहने का घर अपना हो जाए, तो वो भी करेंगे, तो मकान हो जाए, रहने की जमीन हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बीमार हो तो इलाज, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, राज्य सरकार उस पर सहयोग कर रही है, 3,60,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं और जो रह गए वो भी जोड़ के गरीब का इलाज भी बड़ी बीमारियों में फ्री में हो जाए, इसका इंतजाम भी किया जाएगा। क्या बचा मेरी बहनों, बताओ, जो रोजमर्रा की जरूरत है वो सब इस भाई के साथ पूरी होगी। लेकिन हमें भी मेहनत करनी, और एक बात सम्मान की, सुनो मेरी बहनों, बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर ब्याज में चलेंगे, ब्याज में चलेंगे, ऐसे दुष्टों को जीने का हक नहीं है। जितने दारू की दुकान के साथ आते थे सारे बंद, और आगे 50% से ज्यादा महिला अगले साल बहने कह देगी कि दारू की दुकान नहीं, तो वह दारू की दुकान नहीं होगी। मेरी बहन, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा। अब मैं एक बात अपनी सब बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, मैं इतना काम कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा सगा भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, हूं कि नहीं? जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? तो आओ भाई और बहन मिलकर साथ चलेंगे, नारी शक्ति जागेगी। नारी शक्ति जगाना है, मैं कहूंगा नारी शक्ति जागेगी, आप कहोगी सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब तुम अकेली नहीं हो, नहीं घुट घुट के जीना पड़ता था, कोई से कह ही नहीं पा रहे, अपना परिवार है परिवार, सरकार थोड़ी परिवार चला रहा हूं, ये अपना लाडली बहना परिवार है पूरा परिवार। लाडली बहना सेना भी बनी है, वो बहने भी काम करेगी, तो हम मिलकर रहेंगे तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। बोलो सही है? तो ये नारी शक्ति एक होना है, इसको जगाने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना मेरी बहनों, ताकि बहनों की जिंदगी में खुशियां आए, हम सब संगठित रहे। ये 10 तारीख अद्भुत तारीख बन गई है, 10 तारीख
10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने वाला दिन ये 10 तारीख। हर 10 तारीख को इकट्ठे होंगे, मैं हमेशा तुमसे बात करूंगा और एक कदम और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी से दुख तकलीफ दूर हो जाए। बोलो मेरे साथ तैयार हो काम करने को? इधर वाली बहनें भी तैयार हैं? तो अभी जब मैं पैसे डालने के पहले एक बार संकल्प दिलाऊंगा अपने अपने, और फिर बैठना है, फिर पैसे डालूंगा तब कार्यक्रम खत्म होंगे। अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाओ सब बहनें, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। पूरे प्रदेश में जहां बहनें सुन रही है वो भी खड़ी हो जाए, और एक बहन दूसरे बहन का हाथ पकड़े, हाथ में हाथ लो, हाथ को हाथ से मिलाओ, एक बहन दूसरी बहन का हाथ पकड़ो। ये पूरा मीडिया भी देख ले, ये नारी शक्ति जाग रही है, ये सारी समस्याओं का हल है। बहनों पकड़ो एक दूसरे के हाथ में हाथ, तुम्हारा भाई साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ है। मेरे साथ संकल्प लो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, भाई के साथ रहेंगे और अपने दुख तकलीफ दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब मेरी बहनों एक अपील मेरी और, जो अपने लिए इतना काम करे उसका साथ देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? और जो मुझे गाली देते हैं रोज पानी पी पी के कांग्रेस वाले, कोई उनके साथ जाएगा क्या? वो तबाह कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। तो आइए भाई का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, और मैं काम नहीं करूंगा, तुम सब काम करोगी। बोलो सब बहने काम करेगी। तो नया मध्य प्रदेश और नई बहनों की जिंदगी बनेगी। मेरी बहनों मैं यहां से कह रहा हूं आत्मा से कि मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए जीऊंगा। अब मेरी बहनों मैं आप सबके खाते में 250 रुपया मैंने 27 तारीख को दिए थे, आज 1000 अभी डाल रहा हूं, और अक्टूबर से सीधे हर महीना 12,500 शुरू हो जाएंगे, 12,500 शुरू हो जाएंगे। अरे 10,000 तो तुम कमाओगी ना। और उसके बाद फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 12,500 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा, 1750 फिर करूंगा, 2000 करूंगा, 2250 करूंगा, 2500 करूंगा, 2750 करूंगा, और अंत में, और उसके बाद 10,000 अलग से कमाना है। अब मैं सब बहनों के खाते में यहीं से सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहा हूं। 2700 तारीख के 250 मिला के हो जाएंगे 1250। ए हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको, रोते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। मेरी बहनों हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा प्रसन्न रहो और आनंद से अपनी जिंदगी जियो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपका भाई हमेशा आपको साथ देगा। मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मेरी बहनों तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अंत में ग्वालियर के विकास में हमने कोई कसर पहले भी नहीं छोड़ी है। पीने के पानी के लिए अगर कुछ राशि की जरूरत, जिसको सहजवलकर जी ने भी मुझे पहले कहा था घाटी गांव की नल जल योजना का, सहजवलकर जी वो भी स्वीकृत हो गई, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आगे सिंधिया जी ने भी अभी कहा ग्वालियर के में पीने के पानी के लिए जितने रुपए कम पड़ेंगे उसको मैं स्वीकृत कर दूंगा, ताकि ग्वालियर में पीने के पानी की दिक्कत ना रहे। और बहनों गांव में भी तुम्हारे घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी दूंगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, नारी शक्ति को जागृत किया आपने और नए मध्य प्रदेश के निर्माण में यही नारी शक्ति आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे उत्कृष्ट कार्य करने हेतु महिलाओं का सम्मान करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की संपूर्ण बहनाओं के खाते में राशि अंतरित की, सभी नारियों को जागृत किया, उनकी शक्ति से उनको ज्ञात करवाया, जिससे नए मध्य प्रदेश के निर्माण में उनकी ओजस्वी भूमिका रहे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद। और अब प्रिय मुख्यमंत्री जी, बहनाओं पर स्नेह वर्षा करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए, क्योंकि आज उत्सव का दिन है मध्य प्रदेश में, आज 10 तारीख है, 10 तारीख यानी मुख्यमंत्री लाडली बहना दिवस है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्कृष्ट कार्य करने हेतु महिलाओं का सम्मान करें। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती अमृता कान्हेरे को, जिन्होंने मूक बाधिर छात्रों को आर्थिक सहयोग एवं सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। तालियों के साथ इन महिलाओं का हम स्वागत करें। आमंत्रित करते हैं सुश्री कुसुम तोमर को, जो कि लाडली बहना योजना एवं लाडली बहना सेना के गठन में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। आमंत्रित करते हैं श्रीमती मेघा शर्मा को, आपने जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य किया है। जोरदार तालियों से सभी महिलाओं का हम स्वागत करें जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। आमंत्रित करते हैं श्रीमती आशा मौर्य को, जो कि पशु सखी हैं। आमंत्रित करते हैं श्रीमती गीता डिंगरा को, जो कि मालिनी बस्ती के बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। आमंत्रित करते हैं डॉक्टर नीता योगेंद्र को, साथ ही श्रीमती रचना सिंह जो कि AGM है, सुश्री गरिमा वैश्य समाज सेवी हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। और आमंत्रित करते हैं श्री ऋषभ शर्मा को, जिन्होंने पात्रता ऐप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के अंत में हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध समाज दिया।